इस दौरे पर रहने वाले। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री रतलाम आएंगे, तो वहां विशाल चुनावी जनसभा को वे संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो भाजपा की जिला चुनाव प्रबंधन समिति ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। बंजली में यह सभा होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई पट्टी के पास जनसभा को संबोधित करेंगे और ज्यादा बातचीत करेंगे। दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले दौरा 5 नवंबर को होने जा रहा था, बदलाव किए गए हैं, 4 नवंबर को वे आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां रहने वाली, कैसे उनके कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी और विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण उनका ये मध्य प्रदेश दौरा? जी, बता दूं कि विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। 4 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम में होंगे और इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं उनमें संचार ऊर्जा का संचार भरने का काम करेंगे, उनसे वे मुलाकात करेंगे, अभिवादन करेंगे। इसके अलावा जनसभा को रतलाम में वे संबोधित भी करेंगे। ये बहुत ही अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 4 नवंबर को होंगे और जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से बड़ा अहम दौरा माना जा रहा है। और करीब वहां 5 से 6 घंटे तक वो रतलाम में रहेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली को रवाना होंगे। उस दौरान वे जनसभा को तो संबोधित करेंगे, पर सबसे बड़ा जो गौर करने वाली बात है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, जिससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं को टिप्स जीत का मंत्र देते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो चुनावी मौसम है, नेताओं और माननीयों के दौरे भी जारी है।